हेलो दोस्तों हवाई यू आप लोग कैसे हैं स्वागत है आप लोगों का वन टू थ्री स्टडी चैनल में तो आज का टॉपिक होने वाला है नोमेरिकल्स और ये नोमेरिकल किस पे बेस है कंसल्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% परसेंट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सो कहता क्या है कि एक सोल्यूशन हम मान लेते हैं जैसे अगर एक सोल्यूशन है क्वेश्चन कहता है एक सोलो मतलब ग्लूकोज का सोल्यूशन तैयार करने में जैसे ये क्या है ये एक सोल्यूशन है ये क्या है सोल्यूशन है ओके ये क्या चीज का सोल्यूशन है ग्लूकोज का सोल्यूशन है क्या चीज का सोलूशन ऑफ ग्लूकोज हम कह सकते सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एक सोल्यूशन है ओके okay, क्या चीज का ग्लूकोज का तो और इसमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड हमारा सबसे पहले फाइंड हमको करने बोल रहा है फाइंड मीन्स कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है इसमें सोल्यूट फाइंड uh, करने बोल रहा है सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट सॉरी मास ऑफ मास ऑफ सोलूट नंबर वन ओके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोलूट एंड फिर कहता है मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फिर एक बार और क्या फाइंड आउट करना है हमको मास ऑफ मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मींस इस ग्लूकोज की सोल्यूशन को तैयार करने में कितना सोलूट लगा और कितना सोलवेंट लगा सोलवेंट क्या वाटर है ओके okay? तो इस चीज को हमको क्या करना करना फाइंड आउट है और इस सोल्यूशन भी दिया गया कितना सोल्यूशन है टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यह आपका सोल्यूशन का ग्लूकोज uh, का जो है मास uh, क्या है कितना परसेंटेज है वो सारा कुछ दिया गया अब इसमें फाइन हमको कर, ये करना है कि ये 250 ग्राम ऑफ 25 परसेंट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को तैयार करने में कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा और कितना सोल्यूट रिक्वायर्ड होगा अंडरस्टैंड कितना सो ग्लूकोज देखिए सोल्यूट यहाँ पे क्या हमारा ग्लूकोज है क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज अंडरस्टैंड So, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करना है मास ऑफ ग्लूकोज फिर क्या फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ वाटर मीन्स कितना वाटर रिक्वायर्ड uh, होता है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट करने में बनाने में ओके okay? तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं समझते हैं ओके okay? सो so, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं सॉरी एग्जाम्पल नहीं हम ये करते हैं पहले सोल्यूशन स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन हम इसका क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं देखिए सोल्यूशन क्या हम सोल्यूशन क्या करेंगे इसके लिए एक यूज करेंगे फॉर्मूला जो आपको ही पता है ओके मास परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन सो परसेंटेज बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ओके तो चलिए हमने क्या क्या फॉर्मूला को यहाँ पे लिख रखा है क्या है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 अब इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या करना है क्वेश्चन के अनुसार क्या फाइंड करना है नंबर वन हमको फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट क्या हमारा ग्लूकोज है याद रखेंगे ग्लूकोज नंबर टू हमको फाइंड क्या करना है मास ऑफ of... मास ऑफ वाटर वाटर क्या है सॉल्व एंड ओके सबसे पहले यह फाइंड आउट करेंगे देन ये फाइंड आउट करेंगे ओके okay? क्योंकि ये ही ये दोनों मिलकर ही क्या बनाया ना सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज तैयार किया है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का परसेंटेज तो पता है हमको बट ये कितना कितना रिक्वायर्ड होगा वह हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करते हैं यह फाइंड आउट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे एक फॉर्मूला है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन सो क्या है मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड तो चलिए क्या करते हैं सबसे पहले हमको देखिए मास ऑफ सोल्यूशन कितना परसेंटेज कितना परसेंट था 25 परसेंट था देख लीजिए 25 परसेंट है ओके तो चलिए हमने क्या किया इसके जगह में पुट कर दिया वैल्यू अब हमारा क्या है मास ऑफ सॉल्यूट नंबर वन में हमको क्या फाइंड करना है नंबर में हमको फाइंड करना है मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट ओके सो मास ऑफ चलिए पे हमारा फाइंड आउट करना है तो इस जगह पे, ले पे हम क्या ले लेते हैं हम इस जगह पे हम क्या ले लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं क्या मान लेते हैं हम चलिए एक्स यहां पे मान लेंगे क्या मान लेंगे हम यहाँ पे एक्स क्योंकि हमारा ये फाइंड आउट करना है तो चलिए कुछ नहीं मतलब हम एक्स मान लें ओके okay? और ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या था कीवेन था मास ऑफ सोल्यूशन कितना था देखिए 250 हंड्रेड ग्राम्स ये हमारा क्या है गिवेन है ओके okay. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं सो so, क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने में क्या देखिए ये पॉइंट है इस पॉइंट से हमारा क्या ये चला जाएगा हम क्या फाइंड कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर रहे हैं ओके इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने एक्स लिया है तो ये जीरो से ये जीरो कट हो गया ओके अब देखिए क्या हो पाएगा नहीं तो एक काम करते हैं इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इसको करेंगे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा हमारा टेन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ओके ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अब चलिए इसको हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे ओके जब हम इसको अरेंज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टेन एक्स इधर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा इधर चला जाएगा तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव ओके डिवाइडेड चलिए ये तो यहाँ तक तो, तो आ गया ना अब चलिए देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है हमारा ये हमारा x निकालना है तो x निकालना है तो क्या करना होगा इसके देखिए ये ये क्या है हमारा ये टेन को हम इधर करेंगे so, सो x हमको निकालना है तो टेन को इधर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड कितना हो जाएगा हमारा ये टेन आ जाएगा टेन हो जाएगा ओके चलिए अब बताइए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है सिक्स 25, 625 आता है ओके एंड डिवाइडेड सॉरी डिवाइडेड 10. अब 10 से क्या करें अब डिवाइड कर दें इसको 10 से क्या करें इसको डिवाइड कर देंगे जब 10 से अब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है पॉसिबल है क्या देखिए चलिए हम डिवाइड करते हैं उसको ओके सोस टेन डिवाइडेड सिक्स सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव चलिए कितना टाइम्स में जाएगा ये सिक्सटी को देखिए तो कितना टाइम जा रहा है टेन सिक्सा कितना होता है सिक्सटी होता है और सेवन जाएगा ज्यादा टेन सिक्सा सिक्सटी अब करेंगे तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा सेपरेट होकर ओके अब देखिए ये डिवाइड होगा नहीं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे फाइव को यहां पे पुट करेंगे ओके अब देखिए तो टेन के टेबल में आता है ट्वेंटी फाइव कितना में आता है तो टेन टू जा ट्वेंटी होता है अगर टेन थ्री जी लेंगे तो थर्टी हो जाएगा हमारा ना तो टू टाइम्स लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे टू टाइम्स लेंगे तो कितना टेन टू ज़ा ट्वेंटी हो जाएगा आप सपरेट करेंगे कितना हो जाएगा फाइव आ जाएगा अब देखिए अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना तो क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पे पॉइंट बैठाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे एक जीरो तो अब देखिए कितना टाइम्स में जाएगा ये देखिए यहाँ पे सिक्स सिक्स का टेबल अगर फाइवर पढ़ते हैं टेन का टेबल फाइवर पढ़ेंगे तो कितना होगा फिफ्टी होगा कितना हो जाएगा टेन के टेबल अगर फाइव बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है देखिए टेन टेन वन जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी टेन थ्री जा कितना हो जाता है हमारा टेन थ्री जा थर्टी टेन फोर जा कितना होता है फोर्टी और टेन फाइव जा फिफ्टी तो ये हमारा फाइव टाइम में पूरा क्या हो रहा है आ जा रहा है इसको क्या करेंगे सपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा तो ये हमारा जो निकलेगा निकलेगा ये कहा? क्या ये क्या हमारा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो चलिए हम एक कर तो काम करते हैं इधर हम मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं या फिर आप यहां ही छोड़ देंगे ये हमारा मास ऑफ सोल्यूट निकला तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मास ऑफ मास ऑफ सॉलूट टू क्या निकल गया सिक्स सिक्स टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ये हमारा निकल गया ओके अब चलिए एक हमारा क्या हो गया ये हमारा निकल गया अंडरस्टैंड अब ये हमारा क्या हुआ निकल गया एक चीज हमारा कंप्लीट हो गया अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें फर्स्ट हमारा कंप्लीट अब सेकेंड में हम क्या निकालेंगे सेकेंड में हमारा था मास ऑफ वाटर मीन्स कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है सोल्यूट तो निकाल नहीं लेकिन कितना वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या था गिवन था ना ये हमारा सॉल्यूशन हमारा गिवन है किसी चीज का भी सॉल्यूशन को तैयार करने में क्या लगता है वाटर लगेगा वाटर लगेगा प्लस क्या होगा सॉल्यूट लगता है मीन्स वाटर किसका हमें सॉल्वेंट हम कह सकते हैं ना और सोलूट लगता है तो सोलूट का हमारा मास क्या है देखिए मास हमारा क्या है देखिए निकल गया हमारा कितना सिक्स टू पॉइंट फाइव ओके ये निकल गया हमारा लेकिन ये तो नहीं निकला है ना तो इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के क्या करेंगे सोल्यूशन से जो सोल्यूशन हमारा दिया गया था टू देखिए टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम इससे क्या करेंगे सोलूट को सपरेट कर देंगे तो चलिए सपरेट कर देते हैं मीन्स जब सपरेट करेंगे तो हमारा कितना है मा आ, कितना हमारा 250 ग्राम हमारा क्या है सोल्यूशन था ग्लूकोज का है ना तो उससे क्या करेंगे इसको सोल्यूट को क्या करते हैं हम सपरेट करते हैं सोल्यूट हमारा कितना आ गया सिक्स टू पॉइंट फाइव ये है अब जब इसको सपरेट करेंगे आप ओके जब आप सपरेट करेंगे तो आपका क्या होता है यहाँ पे आ, कितना अमाउंट वाटर रिक्वायर्ड हुआ कितना अमाउंट वाटर रिक्वायर्ड हुआ एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को तैयार करने में वो आपको निकल जाएगा सोल्यूड भी निकल गया और ये भी निकल जाएगा ओके okay? जब इसको सप्राइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा ओके आई होप आपको ये टॉपिक आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू